आईपीएल का महासंग्राम यानी कि फाइनल मैच आज शाम 7 बजे चेन्नई और हैदराबाद की टीम के बीच होने जा रहा है। ऐसे में दोनों टीमें अपना पूरा जोर लगाने वाली है आईपीएल 2018 के खिताब पर कब्जा करने के लिए। पिछले मैच में हैदराबाद की टीम ने कोलकाता की टीम को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेंगी। इस मैच से पहले हैदराबाद की टीम अपने धाकड़ खिलाड़ी को ओपनिंग करा सकती है। आज हम आपको उसी खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। हम जिस तूफानी खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो सेमीफाइनल मुकाबले में कोलकाता की टीम की हार का सबसे बड़ा कारण बना। इस धाकड़ खिलाड़ी का नाम राशिद खान है। इस तूफानी खिलाड़ी ने पिछले मुकाबले में बेहद शानदार प्रदर्शन किया था जिसकी बदौलत हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुँच पाई थी। राशिद खान पावर प्ले के दौरान आक्रामक बल्लेबाजी करने में काफी माहिर माने जाते हैं। ऐसे में चेन्नई पर ज्यादा दबाव डालने के लिए सनराइजर्स तूफानी बल्लेबाज राशिद खान को ओपनिंग की जिम्मेदारी दे सकती है। अगर यह टीम ऐसा करती है तो चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव ला सकती है। अब देखना होगा यह खिलाड़ी ओपनिंग करता है या नहीं। तो दोस्तों, क्या आपके मुताबिक राशिद खान को इस फाइनल मुकाबले में ओपनिंग करनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा।